जनकपुर के पूर्णागिरी धाम में प्रथम नवरात्रि के दिन से माता के भक्त दर्शन करने के लिए दूर दूर से आने लगे हैं। जैसा कि नवरात्रि की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है, टनकपुर पूर्णागिरी धाम में लोग नवरात्रि के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भक्तगण पहले शारदा नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर पूर्णागिरी धाम में मां पूर्णागिरी के चरणों में शीश झुकाने के लिए जाते हैं। जैसा कि कोरोना के कारण 2 वर्षों से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, सरकार द्वारा मेले में प्रतिबंध लगाने के बाद इस वक्त भक्तों की भीड़ कुछ कम देखने को मिल रही है, परंतु भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। टांडा वारली जिला रामपुर से दर्शन करने के लिए पूर्णागिरी माता के आए थे, और यानी कि यहाँ भी बच्चे के बाल मरवाने के लिए आए थे। लगता है अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हम तो हर साल आते रहते हैं, पीछे 2 सालों में नहीं आए थे ना, हर साल आते हैं, कम से कम 17-18 साल हो गए आते हैं।